सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने है टाटा की एक सेडान ईवी। बेसिकली ये टियागो का एक अपग्रेडेड सेडान वर्जन है। जैसे सुजुकी के अंदर स्विफ्ट आती है, स्विफ्ट का डिज़ायर एक अपग्रेडेड वर्जन सेडान, कॉम्पैक्ट सेडान वर्जन होता है, तो वैसे ही टाटा के अंदर भी यहाँ पे आपको टिगोर मिल जाती है। और टिगोर पेट्रोल के अंदर भी मिलती है, सीएनजी के अंदर भी मिलती है, और ईवी के अंदर भी आपको देखने को मिलती है। आज हम बात करने वाले हैं इसके एक्स जेड प्लस वेरियंट की। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट से एक नीचे वाला वेरिएंट है। बेसिकली अगर आप बोलें बेसिक लैंग्वेज में तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही है, टॉप मॉडल है ईवी के अंदर इस गाड़ी का। और बेसिकली अगर हम बात करें ईवी एक कॉन्सेप्ट है बचत करने के लिए। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, आपका जो डेली की रनिंग 100 किलोमीटर से ऊपर की है, और आपको एक ईवी कार चाहिए ही चाहिए कि यार मेरे को बचत भी करनी है, सिटी में मेरी रनिंग ज़्यादा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक, फिर सी से ए पॉइंट वापसी की एक आपका डेली रूटीन है कहीं पे आना जाना, और काफ़ी ही ज़्यादा रनिंग आपकी बन जाती है, तो उस केस में अगर मैं बात करूँ तो सीएनजी से ज़्यादा इकोनॉमिकल कार बन जाती है इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर आज के टाइम पे टाटा ने धूम मचा रखी है। आने वाले टाइम में और गाड़ियां टाटा की आने वाली हैं इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर, बट अगर मैं अभी फ़िलहाल की बात करूँ तो हमारे पास एक कॉम्पैक्ट सेडान के अंदर ईवी कार खड़ी है सामने, जो कि टिगोर है, और काफ़ी अच्छे लुकिंग फीचर्स के साथ ये आपको देखने को मिलेगी। फ्रंट लुकिंग की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसे हेडलैम्प्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जो प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छे सेटअप में हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं, जो कि आपको एक प्रोजेक्टर मिलता है, हाई बीम के लिए आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर बेस्ड सेटअप मिलता है, इंडिकेटर का आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है, और अगर मैं इसकी की प्रेस करके रखूँ तो आपको कुछ यहाँ पे जो इसका हेडलैम्प सेटअप है, हेडलाइट सेटअप है, वो ऑन होता हुआ दिख जाएगा। नीचे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो सेम हमें यहाँ पे इसके अंदर DRL नीचे देखने को मिल जाती है, फॉग लैम्प मिल जाता है हेलोजन बेस्ड, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा क्लियर सेटअप देखने को मिलेगा। फ्रंट लुकिंग अगर यहाँ पे बात करें तो काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक लुक निकल के आ रहा है इस ग्रे कलर के अंदर, क्योंकि ग्रिल आपको यहाँ पे चेंज मिलती है। अब इसके अंदर जो ग्रिल है वो प्रॉपर क्लोज्ड ग्रिल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, एज सच कोई ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर मेश ग्रिल की, तो नीचे इन्होंने ज़रूर मेश इंसर्ट्स दे रखे हैं, क्योंकि रेडिएटर जस्ट इसके पीछे ही दिख रहा होगा आपको, तो उसको कूल रखने के लिए इन्होंने प्रॉपर इसके अंदर आपको इंसर्ट्स नीचे की तरफ और थोड़े से यहाँ पे जगह दे रखी है। टाटा का काफ़ी सुंदर लोगो देखने को मिलता है, ईवी की बैजिंग मिल जाती है, एक ब्लू कलर की स्ट्रिप मिलती है जो कि इंडिकेट करती है कि ये गाड़ी ईवी है। डुअल इसके अंदर आपको हॉर्न सेटअप मिल जाता है, अगर आप देखें तो काफ़ी ही ज़्यादा एक अच्छा यहाँ पे सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था इसका कुछ फ्रंट से लुक। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसके अंडर द हुड में इंजन के बारे में, जो इसका इंजन तो पहली बात इसके अंदर आता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा भारी इसका हुड आपको देखने को मिलेगा, टाटा है तो भारी तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे कुछ आपको ऐसा इसके अंदर बैटरी प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, जो कि आपको 26 किलोवाट की बैटरी मिलती है, 73 BHP यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, 315 किलोमीटर की मैक्स रेंज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जो डिसेंट इनफ है। बाकी अगर हम बात करें तो ईवी जिप ट्रॉन की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं, बैटरी की प्लेसमेंट, इसके जस्ट नीचे बैटरी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसके नीचे प्रॉपर वायरिंग्स जा रही हैं, जो बाकी बैटरी जो है वो इसके नीचे जस्ट नहीं प्लेस कर रखी, जस्ट इसके नीचे से केबल्स जा रही हैं, बाकी बैटरी जो है वो अंडर द कार, जहाँ पे अगर आप सीट्स के नीचे देखेंगे तो नीचे की तरफ से लगी हुई हैं, तो वहाँ पे आपको बैटरीज दिख जाएंगी बेसिकली, तो वो चीज़ यहाँ पे भी क्लियरली आपको दिखेगी। ऊपर कोई भी यहाँ पे इंसुलेशंस नहीं मिलती हैं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, शोर क्या ही मचाएगी ये जब बिल्कुल ही साइलेंटली चलेगी। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी रेंज और काफ़ी अच्छी माइलेज के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी। फ्रंट विंडशील्ड भी डिसेंट इनफ साइज़ की है। साइड लुक से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नज़र जाती है इन फ्लेक्स अलॉय व्हील्स के ऊपर। फ्लेक्स अलॉय व्हील्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये प्रॉपर अलॉय व्हील नहीं है, बट दिखने में अलॉय व्हील लगते हैं। 175/55R14 के टायर प्रोफाइल के साथ आपको ये देखने को मिलेंगे, जो कि प्लास्टिक है बेसिकली, आपने आवाज़ सुनी, इसके नीचे ज़रूर मेटल है बट एक प्लास्टिक, एक पहली बात तो इन्होंने स्टील व्हील को एक कट करके ऐसे एनग्रेव किया है कि वो एक अलॉय व्हील का लुक दे, उसके ऊपर इन्होंने एक व्हील कैप लगा दी जो अलॉय व्हील की तरह ही लगती है।
फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं, रेयर में ड्रम ब्रेक इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको अपोलो का टायर देखने को कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। ईवी की यहाँ पे बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। ORVM की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ब्लैकआउट ग्लॉसी ब्लैक में आपको ORVM मिलता है इंडिकेटर के साथ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो विंडो में आपको नीचे इसके अंदर क्रोम लाइनिंग्स मिल जाती हैं। यहाँ बात करूँ तो हैंडल के ऊपर भी आपको क्रोम स्ट्रिप्स मिलती हैं, जो कि आपको काफ़ी एक अच्छा प्रीमियम लुक ऑफर करेंगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो पीछे की तरफ, यहाँ पे जो बेसिकली हर गाड़ी के अंदर फ्यूल भरता है, इस गाड़ी के अंदर फ्यूल नहीं भरता, और इसके अंदर जो सॉकेट्स लगते हैं इसके बैटरीज को चार्ज करने के, पर्टिकुलरली वो चार्जिंग सॉकेट्स यहाँ पे लगते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद चेकआउट करेंगे इसका बूट स्पेस। सॉकेट्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा था, बेसिकली चार्जिंग पोर्ट कहाँ लगेगा गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे थिक रबड़ कैप्स यूज़ करे गए हैं। तो यहाँ पे ऊपर की साइड अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो घर के अंदर या फिर बाहर के अंदर, तो दो AC और DC चार्जिंग सॉकेट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और एक नॉर्मल जो आप घर के अंदर चार्ज करना चाहें गाड़ी को, तो वहाँ पे वो चीज़ सपोर्ट करती है। तो वो चीज़ क्लियरली है, बेसिकली मुझे जितना नॉलेज है नीचे वाला सपोर्ट करता है घर में चार्ज अगर आप कर रहे हैं गाड़ी, जो कार के साथ चार्जर मिलेगा, और ऊपर वाला सपोर्ट करता है जब आप गाड़ी को बाहर लेके जा रहे हैं फास्ट चार्जिंग पे, तो जो फास्ट चार्जिंग के जो पर्टिकुलरली चार्जर्स हैं वो उसके साथ कंपैटिबल रहता है। यहाँ पे अगर मैं पीछे बात करूँ तो आपको काफ़ी अच्छी विंडशील्ड मिल जाती है डिफॉगर्स के साथ। यहाँ पे एक LED स्ट्रिप मिलती है जो काफ़ी अच्छी लगती है रात को जलती हुई। शार्क फिन एंटीना यहाँ देखने को मिलेगा। बूट स्पेस की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो टिगोर की बैजिंग मिलती है, टाटा का लोगो, ईवी की बैजिंग, जिप्ट्रॉन की बैजिंग मिलती है। एक काफ़ी अच्छे यहाँ पे क्लियर ग्लास के साथ आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे। क्रोम की यहाँ पे स्ट्रिप मिलेगी। यहाँ मैं बात करूँ तो कैमरे की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है। अगर हम बूट यहाँ पे एक्सेस करें तो काफ़ी ज़्यादा भारी बूट स्पेस बूट यहाँ पे बेसिकली मिलता है आपको। यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ सेटअप थोड़ा सा अलग आपको पहली बात मिल जाता है। सबसे पहले बूट स्पेस की बात करूँ तो 315 लीटर की यहाँ पे आपको बूट स्पेस देखने को मिलती है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे डिसेंट इनफ बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगी। टायर जो है वो इन्होंने इस बार इस गाड़ी के अंदर साइड में प्लेस करा है, क्योंकि उसका एक रीज़न मेरे को जितना लग समझ में आता है वो यही है कि इसके जस्ट नीचे इन्होंने बैटरी प्लेसमेंट कर रखी हैं, जो पर्टिकुलरली ठीक भी है, और टायर आपको प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिल जाता है प्रॉपर कवर के साथ, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। इन्होंने ये चीज़ अच्छी कर रखी है कि टायर की प्लेसमेंट इन्होंने अलग से दे रखी है। साथ ही साथ आपको जो चार्जर मैं बता रहा था वो चार्जर आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, ये घर वाला चार्जर है जो बेसिकली आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं डेली यूज़ में भी, अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट कहीं जा रहे हैं और चार्जर आपको चार्ज करना है गाड़ी को अपने खुद के चार्जर से, तो ये आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और बाकी बात करूं तो नॉर्मल ही है सब कुछ, एज सच कोई चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऊपर की साइड इन्होंने कवर नहीं कर रखा टॉप मॉडल में, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा लगा कि एक मिनिमम कॉस्ट कटिंग क्यों करी गई, ऐसा कुछ फैब्रिक सा यहाँ पे भी जैसे इसके अंदर लगाया है यहाँ पे भी लगा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ये सारी वायर्स टाइम के साथ डस्ट पकड़ेंगी, कल को अगर कुछ इसके अंदर अपना लग गया, लगे सामान वामान कुछ निकलता उठता, तो फिर बाद में कस्टमर को ही परेशानी होगी। तो मेरे हिसाब से ऐसी जगहों पे कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए। और काफ़ी हैवी बूट है इसका, एक भारी में बंद भी नहीं होता, अगर आप खुद देखें तो भाई टाटा है, टाटा का लोहा काफ़ी मजबूत है, वो चीज़ है। ड्राइवर साइड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर ज़रूर से मिल जाता है। चलते हैं अंदर इंटीरियर में, इंटीरियर आपको कुछ यहाँ पे ऐसा देखने को मिल जाएगा, नॉर्मल टियागो और टिगोर वाला ही इंटीरियर है बेसिकली, तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मेजर चेंजेस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो एक टॉप मॉडल में आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर हों। टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ORVM एडजस्टमेंट, ऑटोमेटिक अपना सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें पावर विंडोज़ देखने को मिल जाती हैं, ORVM कंट्रोलिंग यहाँ देखने को मिल जाती हैं, ब्लू कलर के इंसर्ट्स आपको हर जगह देखने को यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि एक ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो यहाँ पे टाटा ने ब्लू इंसर्ट्स हर जगह ऐड ऑन कर रखे हैं ताकि एक डिफरेंशिएट आपको दिखे। यहाँ अगर आप जैसे ही बैठेंगे ना, तो मैंने जैसे ही गेट खोला और बंद किया तो 99% चार्ज, 105 किलोमीटर की आपको यहाँ पे रेंज देखने को मिली। तो हाँ, 315 की इन्होंने मैक्सिमम रेंज तो बताई है, बट ये देती है 150-100 के आसपास की रेंज ही है, बाकी ओनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं यहाँ पे कोट नहीं कर रहा कोई चीज़ें भी, बट जो चीज़ इसमें दिखाई उसने खुद, मैंने वही आपको यहाँ पे शो भी किया। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे देखने को मिलता है आपको,
यहाँ अगर हम बात करें तो इसको मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे फिर वही चीज़ दिखा रहा है कि 105 किलोमीटर की रेंज और आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो भी करता है और इंडिकेशंस देता है बैटरी से रिलेटेड, बैटरी लो, एवरीथिंग। तो मुझे लगता है मुझे इसे बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये साउंड करता ही रहेगा। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपने देख ही लिया। और बात करूँ यहाँ पे स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है, छोटी सी डिसेंट इनफ स्क्रीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। हज़ार्ड का यहाँ पे लोगो मिल, आपको बटन मिल जाता है यहाँ पे, और कुछ बटन्स मिलते हैं, डिक्की खोलने का भी आपको यहाँ पे बटन मिलता है। एक चार्जिंग का अगर हम बात करें, अगर आप गाड़ी चार्ज पे लगा रहे हैं और कोई आपका चार्जर निकाल के ना ले जाए तो चार्जर लॉक करने का फीचर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करूँ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा, नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक यूएसबी सॉकेट देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक कार बन जाती है, जब आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तो सिर्फ आपको टॉगल स्विच मिलते हैं जो काफ़ी ईजी हैं। अगर आप किसी लेडी को भी कार दे रहे हैं चलाने के लिए तो काफ़ी ईजीली हर कोई इस गाड़ी को चला पाएगा। काफ़ी डीप स्टोरेज में आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है। यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी यूटिलिटी स्पेस मिल जाती है, कप होल्डर्स मिल जाते हैं, मैनुअल हैंडब्रेक मिल जाती है, यहाँ पे कुछ कॉइन रखने की स्पेस मिलती है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे भी देखने को मिलता है, एक पानी की बॉटल रखने की स्पेस आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। यहाँ मैं बात करूँ तो आपको काफ़ी बड़ा इसके अंदर ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो रियलिटी में काफ़ी अच्छी स्पेस आपको यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपको सीट अपॉलिस्ट्री कुछ ऐसी देखने को यहाँ पे मिलेगी, ब्लू कलर के इंसर्ट्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर बात करूँ तो वाइट लैम्प यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सेंटर में कोई भी वाइट लैम्प नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बीच में ही दिया गया है। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए ऐसा कोई वाइट लैम्प का प्रोविज़न नहीं है। यहाँ डे एंड नाइट IRVM आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ मैं बात करूँ तो मिरर का प्रोविज़न एटलीस्ट इन्होंने कर रखा है, ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पे भी मिरर का प्रोविज़न आपको मिल जाता है, माइक की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। और डैशबोर्ड का लुक मैंने आपको चेकआउट करवाया ही, दो एयरबैग आपको देखने को मिलेंगे, एक हॉर्न पैड पे, एक डैशबोर्ड के ऊपर, और डिसेंट इनफ यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है। नीचे भी अगर मैं बात करूँ तो पेडल्स आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो एज सच कोई भी यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। और बाकी ऑल अराउंड अगर मैं फिट एंड फिनिशिंग की बात करूँ ना, तो प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी यूज़ करी गई है टाटा की तरफ से, तो एक अच्छा इसके अंदर प्रीमियमनेस ज़रूर से लग रही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऊपर और नीचे, सिर्फ ऊपर और नीचे होता है, आगे पीछे यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील आपका नहीं होता, मतलब टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको ज़रूर से यहाँ देखने को मिलेंगे, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको नहीं मिलेंगे देखने को। चलते हैं रेयर स्पेस में, देखते हैं रेयर स्पेस कैसा है। उससे पहले अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना, तो ये सीट जो है आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ ऑफर कर जाती मिल जाती है। और ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो ये सीट अभी पूरी ऊंची है, उसके बाद भी मेरा सर टकरा नहीं रहा, मैं अभी और ऊपर करता हूँ, मैक्स ऊपर है ये, उसके बाद भी अगर आप देखें तो काफ़ी ही अच्छी भली जगह यहाँ पे बच जाती है कि अगर पूरा ड्राइवर ऊपर करके भी चला रहा है गाड़ी, बाकी कोई चलाता ऐसे है, सच है नहीं, बट हाँ किसी की हाइट अगर छोटी है तो अंदाज़ा लगा लो, क्योंकि मेरी हाइट अराउंड 6 feet है। और अगर मैं इसको पूरा नीचे भी करता हूँ तो डिसेंट इनफ यहाँ पे आपको हेड स्पेस मिल जाएगा। अभी और नीचे जा रही है और जाती ही जा रही है, तो वो चीज़ है। अब ये मैक्सिमम गई है, तो अगर आप उसके बाद देखें तो डिसेंट इनफ यहाँ पे आपको हेडरूम स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। तो ये भी अगर आपका डाउट हो कि यार मेरी हाइट लंबी है, क्या मैं इस गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ, जिनकी जो सरदार भाई हैं मेरे, उनके टर्बन की वजह से उनको जो सर है वो, उनके लिए हेड स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है, तो उनके लिए भी डिसेंट इनफ स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चलते हैं रेयर स्पेस में और देखते हैं रेयर स्पेस आपको कैसा मिलता है। बाकी यहाँ से भी अगर आप देखें तो आपको तीनों हेडरेस्ट यहाँ एटलीस्ट देखने को मिल जाते हैं, एडजस्टेबल नहीं मिलते, बट फिर भी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो हेडरेस्ट आपको दे रखे हैं, बीच में आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, कप होल्डर है या नहीं यहीं से देखते हैं, तो हाँ जी कप होल्डर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 3 pointed सीट बेल्ट देखने को मिल जाएंगी, ताकि आप इजीली 5 बंदों को इसके अंदर लीगली बिठा सकें, क्योंकि आज की डेट पे सीट बेल्ट्स लगना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आपको थाई सपोर्ट डिसेंट इनफ मिलेगा, क्योंकि सॉफ्टनेस आपको सीट के अंदर देखने को प्रॉपरली मिलेगी। अगर आप कल को इसके अंदर सीट कवर्स नहीं भी लगवाना चाहते तो भी आपकी गाड़ी जो है वो ईजीली आपको एक कंफर्टेबल राइड ऑफर करेगी। रेयर में कोई भी एसी वेंट्स नहीं मिलते, तो इन्होंने एटलीस्ट ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे सामने की तरफ ही एसी वेंट्स लगा रखे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर का प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, अगर आप देख भी रहे होंगे तो वो चीज़ है। चलते हैं फाइनली इसका प्राइसिंग आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको इसकी प्राइसिंग क्या पे करनी वाले।
फाइनली बात आती है इसकी प्राइसिंग की, तो मैं आपको एक शोरूम प्राइस इसका बता देता हूँ। 12,50,000 रुपये से इसका बेस मॉडल स्टार्ट होता है और 13,75,000 रुपये तक इसका टॉप मॉडल एक शोरूम जाता है। आपकी सिटीज़ पे ये प्राइस वेरी करेगा, तो पर्टिकुलरली अगर आप ऑन रोड प्राइस जानना चाहें तो मान लो 1-1.5 लाख रुपये आप ऑन रोड इसको एक्स्ट्रा दोगे और अपनी सिटी के अंदर आप ये गाड़ी अपने घर ला सकते हो। देखो, इलेक्ट्रिक गाड़ी आज के टाइम पे उन्हीं के लिए फेवरेबल है जिनको ही रनिंग ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात, लेने के बाद आपके घर के पास आपको प्रॉपर इसके अंदर जगह मिलनी चाहिए कि हाँ यार मेरे पास एक पर्टिकुलरली जगह है इसको चार्ज करने की, क्योंकि सोसाइटीज़ के अंदर ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है आज की डेट पर इलेक्ट्रिक कार्स, या फिर आपका अगर फ्लैट सिस्टम भी है तो फ्लैट सिस्टम में अगर आपका ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर तक भी है तो भी आप प्रैक्टिकलिटी में इसको चार्ज कर सकते हो, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन अगर थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर की अगर हमें बात करें और आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी रख रहे हैं तो नीचे एक प्रॉपर सोसाइटी ना होने की वजह से आपके चार्जिंग ऑप्शंस कम हो जाएंगे, आपको पर्टिकुलरली चार्जिंग पॉइंट्स पे जाके चार्जिंग स्टेशंस पे जाके चार्ज करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा तो यही होगा कि आप एक CNG गाड़ी ले लो। बट अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट है कि हाँ मैं अगर अपनी गाड़ी रात भर भी चार्ज पे लगाता हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे गाड़ी के अंदर कोई हार्म नहीं है, कोई चार्जर लेके नहीं भाग जाएगा या फिर गाड़ी के अंदर कोई और मिसअप नहीं हो जाएगा, वो सारी चीज़ें अगर आपके पास अच्छी हैं, आपके पास प्लस पॉइंट्स में हैं, तो आप गाड़ी ले सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी पे स्विच होना बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बचत हो रही है तो फिर वाई नॉट आप बचत करो, क्योंकि आज की डेट पे CNG गाड़ियों की डिमांड इतनी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि हर कोई बंदा चाहता है कि मैं कम से कम प्राइस में एक अच्छी गाड़ी अफोर्ड करके चला सकूं और इकोनॉमिकल कार चलाऊं कि मेरा पैसा भी बचे और उस पैसे को मैं कहीं और यूटिलाइज़ कर लूं। तो वो चीज़ पर्टिकुलरली आपके ऊपर ही है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को रियलिटी में ख़रीदना चाहते हैं तो टाटा आपका बहुत ज़्यादा वेलकम करता है, क्योंकि टाटा के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं और आने वाले टाइम पे और ज़्यादा ऑप्शंस आने वाले हैं। तो वो चीज़ है, बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।